मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है भांशु और स्वागत है आप सभी का और एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम हैं प्रयागराज इलाहाबाद में और हमारे साथ कृपाल भैया हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं परेड ग्राउंड के लिए। अभी मॉर्निंग का लगभग 6 से 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। वैसे हम लोग जो है मॉर्निंग वॉक करने का टाइम लगभग 5 बजे का है, लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आज है संडे और अभी हम लोग जा रहे हैं परेड ग्राउंड की तरफ, जो कि हमारे रूम से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो अभी हम लोग रास्ते में ही अभी टैक्सी वगैरह कुछ मिल जाए उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि दूरी ज़्यादा है तो पैदल पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज संडे है तो अभी हम लोग ग्राउंड पे चल रहे हैं, तो कुछ क्रिकेट वगैरह खेलेंगे वहाँ पे और इन्जॉय करेंगे। तो बस आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, तो वहाँ पर अभी हम आपको ब्लॉग और भी चीज़ें वहाँ पर दिखाते हैं। काफ़ी टाइम पैदल चलने के बाद हम लोग को टैक्सी मिली, उसके बाद हम लोग अभी पहुंच चुके हैं परेड ग्राउंड। तो अभी कोहरा इतना ज़्यादा है कि बहुत चीज़ें नहीं दिख रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए परेड ग्राउंड का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। तो अभी जब कोहरा छट जाएगा तो हम आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इसकी दूरी है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग खेलने आते हैं, इतना बड़ा मैदान है। आप लोग देखेंगे अभी, हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, तो अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं जहां पर क्रिकेट खेलना है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग यहां ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं, हम लोग का टास्क हो चुका है। हमारी साइड की जो है यहां पर बॉलिंग आई है, तो अभी हम लोग बॉलिंग करने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है फील्ड देख सकते हैं, अभी भी कोहरा जो है छटा हुआ नहीं है, तो अभी भी कोहरा है, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं खेलने के लिए, बॉलिंग करने के लिए जा रहे हैं। फील्डिंग है हम लोग की आई है, उसके बाद आगे मिलते हैं हम। दोस्तों हमारा मैच स्टार्ट हो गया है, तो आइए इनसे पूछते हैं कितना चल रहा है, क्या सीन। अभी 15 ओवर में 6 ओवर हो गए हैं, 7वां ओवर लगभग चल रहा है। अपोजिट टीम के लगभग 40 रन बन गए हैं और 4 विकेट भी गिर गया है, तो अभी मैच चालू है। बस अभी इंजॉय कर रहे हैं मैच का। अभी बॉल देखिए, ओवर भी चल रहा है ग्राउंड में। देखिए बैटिंग चल रहा है हम लोग की टीम से, बैटिंग है बॉलिंग, सॉरी बॉलिंग। ये रहे हम लोग के फील्डर, जैसा कि आप देख सकते हैं उन फील्डरों में से 2 लोग यहाँ पे पुशअप कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं लोग कितना कर लेते हैं। सो स्ट्रॉन्ग मैन ब्रो, दैट्स ग्रेट। हमें लगता है कि प्रियांशु, इनका नाम प्रियांशु, ये थक रहे हैं, बट इनका नाम दालचंद है, ही इज स्टिल डूइंग। यू आर टायर्ड? आई एम फुली टायर्ड। यू आर फुली टायर्ड? ट्राई ट्राई ट्राई, डू 10 फ्रॉम माई साइड, मेरे तरफ से 10 करो। मेरे तरफ से 4, 4 more, 7, 8 Yes, done. I didn't count, but 35, across 35. क्या कैच है? एक पारी एंड हो चुकी है, फर्स्ट पारी की जो है 78 रन बना है। उसके बाद अभी हम लोग की बैटिंग आ गई है, तो अभी हम लोग बैटिंग करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ही ग्राउंड में लगभग कम से कम एक ही में सब सारे फील्डर लगे हैं, कम से कम 3-4 पिच बनी हुई यहाँ पे, इतने प्लेयर हैं कि एकदम बगल बगल पास ही पास खेल रहे हैं, तो फील्डिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी हम लोग की बैटिंग आ गई, हम लोग बैटिंग करने चल रहे हैं। अभी आपको आगे और भी चीज़ें दिखाते हैं। I hit him 5 sixes. He was playing his last round at the field.
स्लीप इट्स इम्पोर्टेंट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी साइड की बैटिंग चल रही, लगभग अभी 9 से 10 ओवर हो गए हैं। अभी हम लोग को जीत के लिए चाहिए लगभग 15 रन चाहिए जीत के लिए। मैच लगभग ख़त्म होने वाला है, अभी हम लोग ये मैच जो है जीत जाएंगे। तो अभी हम आपको यहाँ इस ग्राउंड का नज़ारा दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी ये हमारी पीछे जहाँ पर हम लोग खेल सकते हैं, और इधर बीच बीच में भी दूसरे पिच के भी प्लेयर लगे हुए हैं। साइड में बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिच और बनी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं खेलने के लिए, क्योंकि आज संडे है तो सब लोग यहाँ पर संडे को आते हैं, बहुत भीड़ होती है। अभी आपको सामने से जो रोड दिख रहा है, उधर साइड से आपको जो रोड दिख रहा है वो प्रयागराज संगम की तरफ जाता है, पूरा रास्ता उधर की तरफ जाता है। तो यहाँ से लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी होगी संगम की। अब देखिए यहाँ से इतना बड़ा ग्राउंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर बगल में ही पिच लगी हुई है। अभी यहाँ पर बगल में दो पिच लगी हुई, यानी आसपास लगभग कम से कम 4-5 पिच हैं। तो सारे प्लेयर एक ही में फील्डिंग कर रहे हैं। आप देखिए उधर देखिए, अभी आपको सामने से गाड़ियाँ जाती दिख रही हैं, रोड के उस पार भी पिच बनी हुई, वहाँ पर भी लड़के खेल रहे हैं। तो वो रोड भी जो है संगम की तरफ जा रहा है, घूम के उधर संगम की तरफ ही जाएगा। कुछ इस तरीके से जो है ग्राउंड करना जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी देखिए गाड़ियां जा रही हैं उधर से घूम के, रास्ते से घूम के ऐसे जाएंगी सारी संगम की तरफ। अभी यहां पर ये इधर खाली है, बहुत सारी जगह है, इसका नाम परेड ग्राउंड है। यहीं पर परेड वगैरह होती है, यानी कि कोई भी रैली वगैरह हो गई तो यहाँ पर होती है। बाकी संडे के दिन या फिर छुट्टियों के दिनों में लोग यहाँ पर खेलने आते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलने आते हैं। तो देखिए लगभग हमारी पारी जो है एंड होने वाली है, हम लोग जीत चुके हैं। देखिए ये मैच एंड हो चुका है, लगभग अभी 4 से 5 ओवर बचे होंगे, उसके पहले ही हम लोग ने मैच जीत लिया है। तो अभी देखते हैं और मैच यहां पर होता है, एक आध मैच और खेलते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। लगभग अभी यहां पर हम लोग को आए 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, हल्का हल्का धूप भी निकल गई है। तो चलिए आगे मिलते हैं फिर वीडियो में। हम निकल रहे हैं रूम की तरफ, क्योंकि यहाँ पर मैच एंड हो चुका है। दो मैच हम लोगों ने खेला और दोनों मैच हम लोगों ने जीत लिया, काफ़ी मज़ा आया मैच खेलने में। एंड यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी, अभी देखिए यहाँ भी हल्का हल्का धूप निकली है, ज़्यादा धूप नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर सब लोग खेल रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग का दो मैच हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ। तो यहाँ पर हमें ये एक प्रॉब्लम लगी, फील्डिंग करने में यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि एकदम पास ही पास जो है कई सारे पिचे बनी हुई थी, तो उसमें आपको देखना होता कि हमारी मतलब बैटिंग या बॉलिंग कहाँ से हो रही है, बॉल किधर से आ रही है। तो फील्डिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि आपके सामने भी दो पिच बनी हुई है, वहाँ से भी बॉल आना है, कहीं लग ना जाए आपको। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना यहाँ पड़ता है। उसके बाद हम लोग ने मैच में काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हैं वहाँ पर, हमारे टीम के सभी मेम्बर्स जो है जा रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। एंड यदि आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में।